मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में बीएसपी ने 26 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। इस सूची में बसपा से अपनी विधायक रामबाई पर दोबारा भरोसा जताया है, उन्हें पथरिया विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। 2018 की विधानसभा में भी बीएसपी ने रामबाई को पथरिया से टिकट दिया था। रामबाई यहां से जीतकर विधायक बनी थी। रामबाई सिंह परिहार अपने अलग अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों पर अपना रौब दिखाकर लोगों की मदद करने का दावा करने के उनके अंदाज के कारण वो अक्सर ही चर्चाओं में रहती हैं। अधिकारियों से विवाद के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। रामबाई के अलावा बसपा की जारी हुई पहली सूची और दूसरी सूची में चंबल और बुंदेलखंड के इलाकों में ज्यादा उम्मीदवार घोषित किए हैं। इस सूची में बीएसपी ने मुरैना से 3, छतरपुर से 3, बालाघाट से 2, दमोह श्योपुर दतिया टीकमगढ़ सतना रीवा सीधी शहडोल जबलपुर शिवपुरी भोपाल नरसिंहपुर छिंदवाड़ा बैतूल खंडवा सीहोर मंदसौर बुरहानपुर से 1-1 प्रत्याशी की घोषणा की है। छतरपुर जिले की राजनगर सीट पर बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बदला है और इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने पहले रामराज पाठक को प्रत्याशी बनाया था। उम्मीदवार बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष घासीराम पटेल को प्रत्याशी घोषित किया है, जिन्होंने अभी हाल ही में बसपा ज्वाइन की है। मुरैना जिले की जौरा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक सोनी राम कुशवा को प्रत्याशी बनाया। भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा सीट से उमा देवी वर्मा को टिकट दिया है। भांडेड़ से राजू चौधरी को टिकट मिला है। बीजावर से महेंद्र गुप्ता को टिकट दिया गया है। रानी वर्मा को सिहावत से टिकट मिला है। बसपा ने रामबाई सिंह सोने राम कुशवा सोने राम धाकड़ उर्फ सोनी वद्रीलाल कटारिया बलवंत सिंह गुर्जर दिलीप काडेकर डॉक्टर रामवरण सिंह महेश कुशवा राजू चौधरी हृदेश कुशवा घासीराम पटेल डीलमणि सिंह उर्फ बब्बू राजा अहिरवन सिंह गुर्जर उमा देवी वर्मा सविता अहिरबार विक्रम हिरपाची महेंद्र गुप्ता सुभाष शर्मा उर्फ डोली रामायण साकेत रानी वर्मा विजय कुमार बिरसा सुराज मरकाम अजाव लाल शास्त्री पंचेश्वर गुरुजी इंदवल राव खातरकर संदीप अट्टू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मध्य प्रदेश में 2018 की विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायकों ने जीत हासिल की थी, जिनमें भिंड से संजीव सिंह और पथरिया से रामबाई सिंह परिहार हैं। संजीव सिंह बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। फिलहाल अब देखना होगा कि 2023 के रण में मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कितना सफल होती है।